Kami tukusita. Kami tukusita. Ay, kami tukusita. सो ही हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस यार, इंडिया से जो लोग फ्री फायर खेलते हैं, आप लोग का गेम अभी चाह रहे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। बट मेरे भाई लोग की हमारा पूरा अपडेट आप लोग का नहीं हुआ, आप लोग का गेम अभी तक अपडेट नहीं हुआ, वो भी 33। तो आप लोग कोई कोई बंदे अभी भी गेम प्ले कर पा रहे हो, सैंड रिपोर्ट कर रहे, तो आप लोग का अकाउंट भी खुल जा रहा है, आप लोग गेम प्ले कर पा रहे। बट कोई भी आप लोग को BTS के रिगार्डिंग या अपकमिंग रिगार्डिंग कोई अपडेट या नया इंटरफेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई लोग, आप लोगों ने गेम को पूरी तरह से अपडेट नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी फ्री फायर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी नहीं मिल रहा है। प्लस आप लोग जहाँ पे फ्री फायर ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करो तो तभी भी गाइस आप लोग नहीं कर पा रहे हो अपडेट अपना गेम, तो कुछ इस टाइप के इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को 3 प्रोसेस बताऊंगा, जो फॉलो करेंगे तो आप लोगों को श्योर फ्री फायर अपडेट वाला फ्री फायर आप लोगों को मिल जाएगा। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना एंड वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपका काम कर गया। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस यहां पे देख पा रहे हैं मेरा अपडेटेड वाला फ्री फायर, तो मेरा यहाँ पे गेम अपडेट हो गया है। तो अपडेट के बाद जो लोडिंग स्क्रीन है वो कुछ स्टेप से देखने के लिए मिलता है। बट अभी तक आप लोगों का लोडिंग स्क्रीन ऐसा नहीं आया तो आप लोग समझ लेना आपका गेम अपडेट नहीं हुआ। तो गाइस आप लोगों को कैसे अपडेट वाला फ्री फायर मिलेगा मैं आप लोगों के बताने वाला हूँ। उसके पहले गाइस आप लोगों को बता दूं, गैरिना ने साफ साफ बोला कि आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज मत करना, नहीं तो आपका ID का रिस्क हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा गेम से ही मैंने फाइल को शेयर कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से मैंने टेलीग्राम पे इस ऐप को शेयर कर दिया है, तो इस पे कोई रिस्क नहीं लेता है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने बस अपना जो ऐप है उसे शेयर किया, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के मदद से कुछ नहीं किया। तो टेलीग्राम पे गाइस मैंने इसका ऐप का साइज देख पा रहा हूं 60 MB का है, तो आप लोग यहां पे ज्वाइन करके आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और गाइस आपके फोन पे ऑलरेडी जो फ्री फायर इंस्टॉल है उसे डिलीट कर देना पड़ेगा, तभी जाके गाइस आप लोग ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना। और गाइस इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपका OBB फाइल जो है वो ऐसे करके डाउनलोड पे आ जाएगा गेम ओपन करने के बाद। सो गाइस 328 MB का फाइल है, तो आप लोग ये OBB फाइल अपने गेम से डाउनलोड कर लेना, तो इस पे कोई रिस्क नहीं है। तो अपना फाइल डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा 40 MB का और एक अपडेट लेगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस टाइप से गाइस आप लोग का सेम प्रोसेसिंग देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही इजी है गेम को अपडेट करना। तो पता नहीं गाइस सर फ्री फायर की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं आया कि कैसे हम लोग अपडेट कर पाए। बट गाइस आप लोग को जब अपना गेम अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड पैक्स आप लोग ये सब डाउनलोड कर लेना, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे कैरेक्टर फाइल, आउटफिट फाइल और रिसोर्सेस, तो पैच अपडेट ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ऑफिशियली तरीके से सब कुछ है गाइस, आप लोग इजीली बिना रिस्क लेके भी कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है, 100% सेफ एंड सिक्योर है गाइस। आप लोग यहाँ से इजीली इसको डाउनलोड करके सब कुछ गेम को अपडेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक है गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए अगर आप लोग डेली पाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और गाइस अगर आप लोग और एक आइडिया चाहते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग ऑफिशियल साइट का इंतजार करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे इनका वेबसाइट से आप लोग फिर से गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंडेड है क्या करना चाहते हो गाइस, कमेंट पर जरूर बता देना, और आप लोगों का गेम शाम के 5 बजे के बाद ही सर्वर ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने अपडेट, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक तो कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।